अंडमान के सेंटिनल आइलैंड पर मारे गए अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाउ का शव बरामद करना अब अंडमान पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। तमाम कोशिशों के बावजूद अंडमान पुलिस अब तक सेंटिनल आइलैंड पर नहीं उतर सकी है। 17 अक्टूबर को अंडमान के सेंटिनल आइलैंड पर मारे गए अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाउ की बॉडी बरामद करना अंडमान पुलिस के लिए मुश्किल होता जा रहा है। पुलिस की टीमें जब भी सेंटिनल आइलैंड की तरफ बढ़ती हैं तो उसे द्वीप के किनारे तीर कमान लिए आदिवासी खड़े नजर आते हैं। अंडमान पुलिस की एक टीम शनिवार को भी सेंटिनल आइलैंड की तरफ बढ़ी थी, लेकिन दूर से ही तीर धनुष लेकर खड़े आदिवासियों को देखकर टीम वापस लौट आई। अंडमान पुलिस के मुखिया दीपेंद्र पाठक ने बताया कि तकरीबन 400 मीटर दूर से पुलिस के जवानों ने दूरबीन की मदद से आदिवासियों को देखा। वे द्वीप के किनारे तीर कमान लेकर खड़े हुए थे। सेंटिनल आइलैंड के आदिवासियों की भाषा और उनका व्यवहार बाहरी दुनिया की समझ से बाहर है। ऐसी सूरत में अंडमान पुलिस के लिए जॉन एलन चाउ की बॉडी बरामद करना एक टेढ़ी खीर हो गया है, जिन पर आदिवासियों ने तीर से हमला किया था और गले में रस्सी बांधकर जंगल के अंदर ले गए थे। पुलिस टीमें विशेषज्ञों की मदद से ये पता लगाने में जुटी हैं कि बाहरी दुनिया का कोई शख्स जब उनके करीब जाता है तो वे आखिर हमला क्यों करते हैं और क्या उनसे किसी तरह संपर्क किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।